Hey guys, this is Narendra Rao. You're on to a first lecture in economics of TYBCOM. मैं ज्यादा सिलेबस इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये ऑनलाइन में सिलेबस को समझाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट उससे अच्छा मैं एक टॉपिक तुम्हारा ले लूंगा. एंड टुडेज टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक हिस्टोरिक टॉपिक है, और ये हिस्टोरिक टॉपिक लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे बिकॉज ये वो टॉपिक है जो दो बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करता है, प्राइम मिनिस्टर्स के डिसीजंस के बारे में डिस्कस करता है. वन पीवी नरसिम्ह राव आर एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड आर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. ये दो प्राइम मिनिस्टर्स ने हिस्टोरिकली दो डिसीजंस लिए थे. इनफैक्ट हम लोग तीन डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे. मेजरली उनको हमने नाम दे दिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. आज हमारा टॉपिक होगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर. बिफोर डिस्कसिंग दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैं तुमको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं. पीएम नरेंद्र मोदी एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया था, वो था नोटबंदी का. एक दिन आ जाते हैं, 1000 और 500 के नोट को बंद करा देते हैं. लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि अब कैसे होगा. 3 साल हो गया हम उसमें से निकल गए. फिर एक नया पॉलिसी आता है जिसमें हम लोग टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग का बात करते हैं. जो हमने सदियों से टैक्सेस भरा हुआ है, एक नया टैक्स लाने के बाद हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं. लोग फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उस टैक्स को, लेकिन फिर वापस टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिजनेस ऐसा ही चलता है. हिस्टोरिक डिसीजंस देश को चेंज कर देता है, देश के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, लोगों के सोचने के तरीके को चेंज कर देता है, बिजनेस करने के मॉडल को चेंज कर देता है. उसी बिजनेस को चेंज करने वाला सबसे जबरदस्त मॉडल का नाम है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. दिन था 24 जुलाई 1991, वक्त 5:30 PM. पीवी नरसिम्ह राव एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम्स एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग द बजट इन 1991. और उस बजट के इंट्रोडक्शन में उन्होंने कंक्लूडिंग स्पीच दिया था. कंक्लूडिंग स्पीच सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसा भी डिसीजन हो सकता है. उनका कहना था, आई डू नॉट मिनिमाइज द डिफिकल्टीज दैट लाई अहेड ऑन द लॉन्ग एंड अडर्स जर्नी ऑन विच वी हैव एम्बार्क्ड, बट एज विक्टर हुगो वंस सेड, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया whose time has come. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी ताकत रोक नहीं सकता अगर वक्त आ गया होगा तो. उनका यह भी कहना था, आई सजेस्ट टू दिस ऑगस्ट हाउस दैट द एमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड हैपेंस टू बी वन सच आइडिया. लेट द होल वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक. We shall prevail, we shall overcome. Superb ending speech given by Dr. Manmohan Singh. ये speech का जरूरत क्यों पड़ा? और वो speech होने के बाद, देश में new industrial policy आ जाने के बाद, ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि हमको लगा कि भाई ये बहुत important है? क्या आज इंडिया सुपर पावर हो गया? आज अमेरिका को उसने लीड कर दिया? नहीं. लेकिन उस जमाने को, अगर इस जमाने को हम लोग कंपेयर करें तो आज इंडिया क्या है? आज इंडिया एक 2.94 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड 5th largest ओवरऑल. इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को लीड किया 2019 में, और इंडिया
उनको पछाड़ के पांचवें रैंक पे आके जाके बैठा। द कंट्री रैंक्स थर्ड व्हेन जीडीपी इज कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। खरीदने की क्षमता में इंडिया तीसरा रैंक करता है, इसीलिए तो लोग चाइना के बाद इंडिया को ही नाम लेते हैं परचेसिंग पावर में। इंडिया इज अ बिग मार्केट, और वो मार्केट कितना बड़ा है, $11.33 trillion इकोनॉमी है। India's highest population drags its nominal GDP per capita down to 2170. एक ही छोटा प्रॉब्लम है, वो है इंडिया का पॉपुलेशन। एक जमाना था जब लोग डिबेट करते थे, बोलते थे कि पॉपुलेशन वो एसेट है या पॉपुलेशन वो लायबिलिटी है। आज पॉपुलेशन एसेट बन गया है, बट जब हम पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम $2170 है, मतलब $2170 के करीबन है। तुम उसको मल्टीप्लाई करो 76 के साथ, तुमको अंदाजा मिल जाएगा एक आदमी अपने देश में कितना कमाता है अंदाजन एक साल में। ये वही रीजन था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के वजह से कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो अब बढ़ के 7.3% 2018 में और 7.5% 2019 में हुआ। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या 1991 के पहले ऐसा नहीं था क्या? फिर 1991 के पहले इंडिया का पोजीशन क्या था? क्यों 1991 को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? क्यों 1991 के पहले का दौर और 1991 के बाद के दौर को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है? यह समझना बहुत जरूरी है कि 1991 के पहले इंडिया क्या था और 1991 के बाद इंडिया क्या था। तो पहले समझ के चलो कि एक इस दुनिया में कितने टाइप के इकोनॉमीज हैं। इस दुनिया में चार किस्म के इकोनॉमीज मिलेंगे तुमको। देर आर फोर डिफरेंट इकोनॉमीज। नंबर वन, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। एक इकोनॉमी सिर्फ जो बेसिकली फूड क्लोथिंग शेल्टर के ऊपर ध्यान देता है, जो सिर्फ रोटी मकान कपड़ा के ऊपर ध्यान देगा, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। उनको दुनिया में क्या चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि भाई कपड़ा रोटी मकान मिल गया, बस हो गया, नो कॉम्पिटिशंस, नो कुछ, चल रहा है चल रहा है। ऐसे इकोनॉमीज भी हैं, बट ऐसे इकोनॉमी इंडिया नहीं है। एक और इकोनॉमी है जो तुरंत उसके ऑपोजिट में तुमको मिलेगा, वो है मार्केट इकोनॉमी, जो दो स्ट्रक्चर पे चलता है, एक जिसका नाम है डिमांड और दूसरा जिसका नाम है सप्लाई। पूरा खेल तो आज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का ही है। तो वो इकोनॉमी जो आजाद है, जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है, जिसको सिर्फ डिमांड और सप्लाई से लेना देना है, एक ऐसा इकोनॉमी जो ये बोलता है कि कोई भी आओ हमारे देश में, तुम कॉम्पिटिशन करो, तुम इंडस्ट्री सेटअप करो, तुम हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेन टेक्नोलॉजी लेके आओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे हमारे देश में आने से या हमको तुम्हारे देश में जाने से। ऐसे इकोनॉमी को हमने मार्केट इकोनॉमी का नाम दिया। एक और जबरदस्त इकोनॉमी जो पॉलिटिकली करेक्ट इकोनॉमीज है, वो है कमांड इकोनॉमीज, जिनका लीडर कमांड करता है। अभी पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिकली इनकरेक्ट का डिबेट तो छोड़ दो, बट ये इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में हम लोग देखेंगे। नॉर्थ कोरिया इसका एक एग्जाम्पल है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टीज रूल करने वाले जितने भी इकोनॉमीज है वो तुमको कमांड इकोनॉमीज लेके चलने के जैसे मिलेंगे। एक इकोनॉमी जो पूरे देश को कंट्रोल करता है, कौन सा इंडस्ट्री आएगा, कौन सा इंडस्ट्री बंद होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लोग क्या कंज्यूम करेंगे, लोग क्या कंज्यूम नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ऐसे इकोनॉमीज को हमने कमांड इकोनॉमीज का नाम दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तुमको ये समझना है कि हमारे पास तीन इकोनॉमीज है, जो ट्रेडिशनल है इंडिया नहीं है, जो मार्केट है तो इंडिया नहीं है, फिर कमांड इकोनॉमी है, इंडिया नहीं है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर पूरा कंट्रोल ना बाजार का है, ना पूरा कंट्रोल ना सरकार का है। सरकार चाहेगा इनको अंदर आना चाहिए वो अंदर आएगा, सरकार चाहेगा ये इतने परसेंटेज तक अंदर आना चाहिए वो आएगा, सरकार चाहेगा कि ये नहीं आना चाहिए वो नहीं आएगा। सरकार का कंट्रोल कहीं कहीं जगह पे मिलेगा और कहीं कहीं आजादी भी है।
ऐसे इकोनॉमीज जहां पे फ्रीडम भी है और फ्रीडम नहीं भी है, मार्केट भी है और कमांड भी है, फ्री इकोनॉमी भी है और नहीं भी है, ऐसे इकोनॉमी को हमने मिला के मिक्सर इकोनॉमी का नाम दे। 1991 के पहले इंडिया कुछ हद तक एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी टाइप के इकोनॉमी था, इसीलिए तो लोग यही बोलते हैं कि भाई इंडियन पॉलिसी 1991 के पहले वो बच्चे के जैसा था जिनको माँ गोदी में संभालती थी। जैसे हर माँ ये चाहती है कि भाई मेरा बच्चा कोई बुराई के रास्ते में नहीं जाए, हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा स्मार्ट बने, हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा को संभाल के रखे। ऐसे ही इकोनॉमी का नाम था इंडियन इकोनॉमी 1991 के पहले। इसीलिए तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने उनको बोल दिया इंडिया वॉज अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी, जहां पर बहुत ज्यादा रेगुलेशन जो था वो सरकार का था और सरकार उसको बचा बचा के चलाती। तो क्या ये इकोनॉमी अच्छा इकोनॉमी है? ये डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि क्या ये इकोनॉमी अच्छा इकोनॉमी है या नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमी को हम लोग कभी भी मान्यता नहीं देते हैं कॉम्पिटिशन में। फ्री इकोनॉमी में हम लोग ऐसे टाइप के सिचुएशन को जहां पर एक देश को बचाया जाता है, ऐसे इकोनॉमी को हम लोग मार्केट में स्टैंडिंग नहीं देते हैं, उनको हम लोग एडवांस नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग हाईटेक कंट्रीज नहीं बोलते। दे आर नॉट कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमीज, दे आर प्रोटेक्टिव इकोनॉमीज। बहुत सारे देश है जो प्रोटेक्शन करते हैं अपने अपने देशों का, बट उसका एक परसेंटेज है, उसको जब भी हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो उसको हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग मार्किंग देते हैं कि ये देश में इतना फ्रीडम है, ये देश में इतना फ्रीडम नहीं, और वो फ्रीडम के ऊपर से देश को हमने फ्री इकोनॉमीज बोला है, और देश को हमने कंजर्वेटिव इकोनॉमीज बोला है, और देश को हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमीज करके दिया। इंडिया 1991 के पहले एक कंजर्वेटिव टाइप का इकोनॉमी था जहां पे सरकार अपने देश को बचाता था, बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आते थे, आने नहीं देते थे, बाहर के कंपनीज को इंडिया में आने का मौका नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, बिकॉज सरकार को ये डर लगता था कि उनके वजह से हमारे कंपनीज बंद ना पड़ जाए, बिकॉज हमारे कंपटीशन उनके साथ में होना बहुत डिफिकल्ट, और हमारे कंपनीज इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो फॉरेन कंपनीज के साथ में कंपटीशन कर भी सकते। चलो पहले समझने के लिए जाते हैं हम लोग कौन से इकोनॉमीज को हमने फ्री इकोनॉमीज बोला है, कौन से इकोनॉमीज को हमने मोस्टली फ्री इकोनॉमीज बोला है। तो हम अभी उसको स्प्लिट अप कर देते हैं। व्हाट आर फ्री इकोनॉमीज? इकोनॉमीज विच कम अंडर द ग्रेड पॉइंट्स ऑफ 80 to 100 आर फ्री इकोनॉमीज। मोस्टली फ्री इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज हु कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ 70 and 79.9. moderate free economies are in between 65 and 70, that is 69.9. moderately unfree economies, abhi yahan se samajhne ke liye jao, hum log unfree economies ke bare mein baat kare, free nahi baat kare, ye moderately unfree economies hai jo 60 to 64.5 64.9 ke beech mein aata hai. Then we have mostly unfree economies, then we have got mostly unfree economies. Mostly unfree economies जो भी है वो 50 to 54.9 के बीच में बैठ जाता है, बट याद रखना उसके नीचे जितने भी economies है वो सारे के सारे repressed economies है, conventional economies है, conservative economies है, या हम लोग ज्यादा करके clear language में बोलेंगे तो वो एक closed economies है। अब ये समझने के लिए जाओ जो first जो 80 to 100 में जो बैठता है वो कौन से economies? ये वो economies है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ना नहीं बोलता, फॉरेन टेक्नोलॉजी को ना नहीं बोलता, ये वो इकोनॉमीज है जो कंपटीशन से डरता नहीं है, जो अपने देश में फॉरेन कंपनी को आने से ना नहीं बोलता, ये वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है जिनको कंपटीशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नीचे जो रेड में जो है वो रिप्रेस इकोनॉमीज, ये वो इकोनॉमीज है जो फॉरेन कंट्रीज को हमारे देश में इनविटेशन नहीं देता। बहुत सारे इकोनॉमीज है जैसे उनके देश में कोई आने नहीं देगा और उनको उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है,
वो ज्यादा करके इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज है जो जो किंग्स ने रूल किया हुआ इकोनॉमीज है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज ने डिक्टेट किया हुआ इकोनॉमीज है, वहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगा। बट फ्री इकोनॉमीज में, बहुत ज्यादा फ्री इकोनॉमीज में तुमको डेमोक्रेसी मिलेगा, तुमको डिक्टेटरशिप नहीं मिलेगा। बट हम लोग उसको क्लेरिफाई कर लेते, लेट्स अंडरस्टैंड। हम लोग टॉप फाइव फ्री इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं। सिंगापुर तो कई लोगों ने सुना है, सिंगापुर इनको पॉइंट्स मिला है 89.4, हांगकांग उसके बाद 89.1, न्यूजीलैंड 84.1, ऑस्ट्रेलिया 82.6, स्विट्जरलैंड 80, देन वी हैव बॉटम फाइव इकोनॉमीज। The bottom five economies are Congo, Brazzaville, 41.8, Eritrea, 38.5, Cuba, 26.9, Venezuela, 25.2, North Korea, जिनके बारे में हमने कई सुना हुआ है, उनके किंग के बारे में तो बहुत कुछ सुना हुआ है, North Korea, 4.2। ना हम बॉटम फाइव में है ना हम टॉप फाइव में है। इंडिया को जो बेसिक पॉइंट्स मिला हुआ है वो है 54.5। इससे साबित होता है कि इंडिया ना ही एक फ्री इकोनॉमी है ना ही एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी। अब सवाल उठेगा, कौन से टाइप के इकोनॉमीज अच्छे होते हैं, फ्री इकोनॉमीज या कंजर्वेटिव इकोनॉमीज? ना फ्री इकोनॉमीज अच्छे होते हैं ना कंजर्वेटिव इकोनॉमीज अच्छे होते हैं। ये हमारे देश के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिसी मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है। हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स ने जो डिसाइड किया वो हमारे देश के वेलविश के लिए डिसाइड किया, और उनके हिसाब से अगर देखने के लिए जाएंगे तो कौन से कंपनीज इंडिया में आना चाहिए और कौन से कंपनीज इंडिया में नहीं आना चाहिए, दे आर बेस्ट वंस टू डिसाइड। Let's understand now the new industrial policy 1991. We have some more things to understand. अब इंडिया कहां पे है और इंडिया क्या है तुम पहले समझ के लो। अब इंडिया का पोजीशन क्या है? The economy of India is categorized as a developing market economy. India एक developing economy है। India world का fifth largest economy है GDP में। ये मैंने ऑलरेडी तुमसे डिस्कस किया। इंडिया रैंक करता है 139th बाय जीडीपी नॉमिनल एंड 118th बाय जीडीपी पीपीपी। पीपीपी का फुल फॉर्म है परचेसिंग पावर पैरिटी, लोगों का खरीदने का क्षमता। सिंस द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी एनुअल एवरेज जीडीपी हैज ग्रोन हैज बीन 6-7% एंड फ्रॉम 2014-18 इंडिया इज द फिफ्थ ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी सरपासिंग चाइना। इंडिया एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लीड करने वाला इकोनॉमी बना हुआ है, और वो भी चाइना को लीड करके इंडिया ने आगे ले लिया। चाइना वॉज ग्रोइंग एट 5%, इंडिया ग्रू बाई 7%, 2% का ग्रोथ इंडिया ने बताया। क्या हुआ 1991 में कि इंडिया को ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना पड़ा? क्यों मनमोहन सिंह ने, नरसिम्ह राव जी ने नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना बेहतर समझा? अगर ये बात अगर समझ में आया तो आपको इसका नतीजा समझ में आएगा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों जरूरी था। Why न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991 हैज बीन ब्रॉट बाय दिस प्राइम मिनिस्टर्स? क्या हुआ था तब, क्या पोजीशन था देश का? पहला पोजीशन, इंडिया की महंगाई, जो महंगाई का दर 2% या 3% पे रहता है। अगस्त 1991 में इंडिया का महंगाई जो था वो 16.7% पीक आउट कर चुका था। ये सबसे खतरनाक लक्षण है देश को खराब करने का, और यही हालत, यही स्थिति वेनेजुएला में भी हुआ और बहुत सारे देशों में हुआ जो देश
इकोनॉमी खराब कर चुके हैं और देश का प्रॉब्लम ही था उनके देश का महंगाई मेंटेन नहीं करना, और इंडिया के पास उतना ही पैसा पड़ा था जिससे इंडिया सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट्स कर सकता था। इंडिया के पास करीबन करीबन 1.2 बिलियन रुपीस पड़ा था, सिर्फ 1.2 बिलियन रुपीस, जिससे सिर्फ इंडिया 2 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकता था। अगर जुलाई आ जाता और ये पॉलिसी नहीं आता, इंडिया के पास सिर्फ 0.6 बिलियन डॉलर्स पड़ा था, जिससे इंडिया नियरली खत्म हो जाता। 1991 में इंडिया जो है वो 266 बिलियन डॉलर इकोनॉमी था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। आज इंडिया बिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं है, आज इंडिया 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। डिफरेंस देखो, ये 25 साल में इंडिया ने 266 बिलियन से 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गया। इंडियन एग्रीकल्चर तब अपने देश का जीडीपी का 30% जीडीपी क्रिएट करता था। स्टूडेंट्स, जब कोई भी देश का एग्रीकल्चर जीडीपी में इतना ज्यादा सपोर्ट करेगा तो वो देश कभी भी एडवांस नहीं कहलाएगा। अ कंट्री विच नेवर पार्टिसिपेट्स इट्स जीडीपी फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फ्रॉम टेरिशरी सेक्टर, मेजर इकोनॉमीज आर एग्रीकल्चर, then that economy will never be called as a developed economy. याद रखिए balance of payments के बारे में। balance of payments का मतलब क्या? balance of payments का मतलब जब हम import करेंगे या export करेंगे, आप मुझे कितना देना बाकी है और मैं आपको कितना देने का बाकी है। अगर हम किसी और को पैसा देने का बाकी है, उसको हम deficits बोलते हैं। अगर बाहर के देश हमें पैसा देना बाकी होगा तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, राइट? तो हमारे देश 1991 में पूरा डूब चुका था बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट्स। हमने इतना ज्यादा कर लिया था, हमने इतना ज्यादा उधार ले लिया था कि हमारा सरकार डिफॉल्ट के पोजीशन में आ गया था। मतलब वो पोजीशन में आ गया था जहां पे हमारा सरकार उनको पैसा दे नहीं सकता था। इंडिया का जो रिजर्व्स था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसे पड़े होते हैं वो रिजर्व्स, इंडिया के पास 1.2 बिलियन डॉलर पड़े थे रिजर्व्स। और यही वजह था जिसके वजह से इंडिया एक्सटर्नल पेमेंट्स कर नहीं सकता था, इंडिया अपने एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता था। और ये बहुत बड़ा वजह बन गया जिसकी वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आ गया। अगर आप कोई भी इकोनॉमिस्ट को पूछेंगे तो यही बोलेगा 1991 में इंडिया खत्म हो गया था, इंडिया बर्बाद हो गया था। बर्बाद वर्ड यूज करना रॉन्ग है हमारे देश के लिए, बट इंडिया बर्बादी के कतार में खड़ा हो गया था। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ही नतीजा है कि हमारे देश 25 साल में, जो उस टाइम पर हार्डली 1.2 बिलियन का रिजर्व रखता था, आज बल्कि कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ है, देश के इंडस्ट्रीज खत्म हो गए हैं, नुकसान में दिखता है देश, लगता है देश, बट इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स आज हाईएस्ट में है, हिस्टोरिक हाईएस्ट में है, और वो है $493.48 बिलियन। ये 16 जून 2020 का हिसाब है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 493.48 बिलियन तक आ गया, और ये हिस्टोरिक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आने के साथ उनके पास लक्ष्य क्या था, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? रिमेंबर गाइस, हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट होता है। जैसे अगर नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी के पीछे ऑब्जेक्टिव था ब्लैक पैसे को वसूलना।
अभी आप बोलोगे कि सर वसूला गया क्या, एक इकोनॉमिक पॉलिसी के पीछे एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रीच हुआ नहीं हुआ दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट। वैसे ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव था और उस ऑब्जेक्टिव के साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को लाया गया। आवर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज ब्रॉट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। This concept has got certain objectives. The objectives of New Industrial Policy 1991 are as follows. The first one is about liberalization. It says to liberalize the economy. What do you mean by liberalizing the economy? In short, it is called as azadi. Kuch cheezon se azadi milna zaruri. Azadi kisse? आजादी पब्लिक कंपनियों के बंदिशों से, आजादी गवर्नमेंट रेगुलेशन से, आजादी पाबंदियों से। कोई भी कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए, कोई भी कंपनी को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उनको छूट देना जरूरी है। इट वॉज वेरी मच नेसेसरी दैट अ कंपनी शुड हैव लिबर्टी टू डू द बिजनेस। एवरी बिजनेस मैन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिबरलाइज देम their plannings and do their work according to their policies. First one was to liberalize. Second one, it was all about employment opportunities. Employment ka problem to aaj bhi hai. To 1991 mein kya hua? 1991 mein unhone private companies ko promote kiya aur naye employment opportunities lane ke piche lage. सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट पब्लिक कंपनीज तो दे नहीं सकते थे। सो इट वॉज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू ब्रिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, दैट वॉज सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड, टू एनकरेज फॉरेन असिस्टेंस। नाउ व्हाट इज फॉरेन असिस्टेंस? देखिए, प्राइवेट कंपनी विद कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट कंपनी तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जब भी फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट होंगे तो कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे रिलायंस जियो में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना राइट है कि रॉन्ग है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ नहीं आता, जब उनके साथ कोलैबोरेशन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की वजह से फॉरेन टेक्नोलॉजी का भी आना होता है। So it is not only foreign assistance in capital, it is also foreign assistance in technology. Second point, third point, fourth one, to make the public sector more competitive. हमारे देश में काफी सारे public sector companies weak हो गए, sick हो गए। होने का वजह? Because they were not competitive. One of the best example I can give you is BSNL. आज BSNL का हालत इतना खराब क्यों है? Because BSNL was never competitive. There are so many other public sector companies which, because they were not competitive, they have become sick. Like Air India, they have become sick just because of the reason that they are not competitive. ऐसे क्यों होता है कि जियो जैसा कंपनी आके प्रोग्रेस कर पाता है और BSNL जो पहले से रह के वो कॉम्पिटेटिव नहीं बन पाता? और ये एक जबरदस्त मौका था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को कॉम्पिटेटिव बनना चाहिए। कॉम्पिटिशन आएगा, प्राइवेट कंपनीज आएंगे तो कॉम्पिटेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट वन, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी गिवन एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ना जरूरी है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ही एक्सपोर्ट्स होगा। पब्लिक सेक्टर्स के हाथ में अगर सारा पॉलिसी अगर दे दिया, वो लोग उतना कॉम्पिटेंट नहीं बन पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना था और जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, तो एनकरेज करना था इंडस्ट्रीज को। इसलिए भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना जरूरी था। टू लिबरेट द इकोनॉमी फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, बंदिश है। सभी लोग धीरूभाई अंबानी नहीं है जो लोग लड़ के लाइसेंस ले पाएंगे। 1991 के पहले लाइसेंसिंग राज था और वो लाइसेंसिंग राज खत्म होना जरूरी था, जिसके लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया।
गवर्नमेंट की नया योजनाओं की वजह से ही जो रिस्ट्रिक्शंस लागू करते थे, सिर्फ लाइसेंसिंग एक रीजन नहीं रहा हमारे देश के ग्रोथ को रोकने का, एक और था जिसका नाम था MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्लियर कट कोई भी कंपनी को मोनोपोली होने से रोकता था। डिमांड एंड सप्लाई ये बोलता है जो कंपनी स्ट्रांग है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन MRTP एक्ट इनको बड़ा होने से रोकता था, इनको रोकता था एक साइज से बड़ा होने से, और वो कभी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। तो इनको ओपन हाथ देना जरूरी था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, हमारे देश के बैकवर्ड एरियाज को डेवलप कौन करेगा? हमारे एरिया जो गांव खेड़े के हैं वो डेवलप कैसे होगा? वो डेवलप तभी होगा जब वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा, वो डेवलप तभी होगा जब वहां पर इंडस्ट्रीज जाएगा, एक इंडस्ट्रियल सेटअप वहां पे रोड लेके जाएगा, एक इंडस्ट्रियल सेटअप वहां पे रेलवे लेके जाएगा, एक इंडस्ट्रियल सेटअप वहां पे सारे फैसिलिटीज लाएंगे, समाज पैदा होगा, डेवलपमेंट आएगा। और यही वजह था जहां पर प्राइवेट कंपनीज को ओपन हाथ देने से बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप होगा, टू गिव लिबर्टी टू द प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हर एक प्राइवेट सेक्टर्स को ओपन हाथ देना जरूरी है कि वो लोग खुले हाथ से काम कर पाए, खुले माइंड से काम कर पाए, उनको आजादी देना जरूरी था। और ये एक वजह था जिसकी वजह से अपने देश में 1991 के पहले सारे कंपनीज बंधन में काम करते थे, टू मेक द डेवलपमेंट फॉर मॉडर्न कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। एक नया दौर शुरू करना जरूरी था, एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनना जरूरी था। सब चीज सरकार नहीं दे सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा कि लाइट कौन देगा, सरकार, बिजली सरकार, पानी सरकार, ट्रांसपोर्ट सरकार, बैंक सरकार, सारे सरकारी चीज कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएंगे, सरकारी चीज के लिमिटेशंस होंगे। एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो डिमांड और सप्लाई को पूरा करता है, और डिमांड और सप्लाई तभी पूरा होगा जब एक प्राइवेट सेक्टर को इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मौका मिलेगा। और प्राइवेट इकोनॉमी जब होगा तब अपना देश में, अपने देश में डेवलपमेंट की गुंजाइश होगी। ये बहुत ही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, बट गुंजाइश था, और इसी गुंजाइश के साथ 1991 के पॉलिसीज बने। टू गिव एनकरेजमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक्सपेंशन का होना बहुत जरूरी है, देश का डेवलपमेंट एक्सपेंशन के वजह से होता है। 1960s में चाइना ने एक्सपेंशन पॉलिसी स्टार्ट किया और आज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अमेरिका जैसे कंट्री को वो कंपटीशन दे रहा है। इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट शुड हैव ऑलवेज अ मॉडर्न कॉम्पिटेटिव एज, और उसके लिए भी इंडिया को काम करना था। और वो डेवलपमेंट के एरियाज तभी हो सकते थे, या वो डेवलपमेंट तभी हो सकता था जब एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगा। एक और वजह बना जिसके वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आना जरूरी था। एक्सपेंशन होना जरूरी था, प्रोडक्शन में भी, कंपटीशन में भी, डेवलपमेंट में भी होना जरूरी था। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड लिबरलाइज द इंपोर्ट्स, हमारे देश में इंपोर्ट्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शन थे और एक्सपोर्ट्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शन थे। अभी आप बोलोगे सर इंपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या, अगर मुझे बाहर से टेक्नोलॉजी लाना है और मैं नहीं ले पा रहा हूं तो मेरा कंपनी बड़ा कैसे होगा? अगर मैं बाहर से कोई मशीन लाना चाहता हूं और मैं नहीं ला पा रहा हूं बिकॉज हमारे देश का पॉलिसी है कि बाहर का मशीन नहीं ला, तो नुकसान किसका? देश का, हमारा, कंपनी का, सभी का, फॉरेन रिजर्व्स का। प्राइवेट कंपनीज को ओपन हाथ देने से जरूर इंपोर्ट्स बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट्स अगर कंज्यूमर गुड्स के होंगे, कोई परफ्यूम खरीदेगा, कोई पाउडर खरीदेगा, कोई बिस्किट खरीदेगा, हाँ हमारे देश में नुकसान होगा बिकॉज फॉरेन करेंसी बाहर जाए कंज्यूमर आइटम्स के वजह से। लेकिन अगर वही बाहर से कैपिटल आएगा, मशीनरी आएगा, तो इंडिया को फायदा था। इनके लिए भी आजादी मिलना जरूरी था। इन्हीं सारे कारणों की वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया,
और यही लक्ष्य के साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 सामने रखा गया। मनमोहन सिंह जी ने एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम पीवी नरसिम्हा राव जी ने जबरदस्त पॉलिसीज लाए जिसका नाम था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। और ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर हम लोग जानेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। बट ये एक होल पॉलिसी है जिसका नाम है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। उसमें हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक जिसका नाम था प्राइवेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, लिबरलाइजेशन एक और इंपॉर्टेंट चीज, और ग्लोबलाइजेशन एक और इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ अच्छाइयां हैं और तो कुछ खामियां भी हैं। ये 1991 के पॉलिसीज जब आए तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ में आया, हाँ उसमें कुछ खामियां थी जिसके वजह से कुछ साल के बाद वो खामियों के ऊपर काम करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छाइयां भी थी जिसके वजह से हमारा इकोनॉमी ज्यादा डेवलप भी हुआ। तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब आता है अच्छाइयों के साथ खामियां भी लाता है। अगले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, और हम ये भी जानेंगे कि इनके फीचर्स क्या थे। थैंक यू, होप यू एंजॉयड।